कर दिया तूने मारे छोरी पर, तारे कहने से इतना बड़ा फैसला ले लिया उसने। अरे सो के मंत्र मुक्त कर दिया है तूने, उसकी आत्मा ही बदल डाली है तूने। सारे लोग हैं इस घर में, फिर भी मुझे आना पड़ा। हेलो हेलो, कोई कुछ बोलेगा अभी? भाभी आप यहीं बैठी है ना, अब अगर फोन आए ना तो हाथ बढ़ा के उठा लीजिए। से संध्या जी, आप दूसरी ओर मुंह घुमा लीजिए, कोई देख लेगा। संध्या जी तब मैं आपके पास घर आने वाला था, आपों की बातों से लग रहा था जैसे जैसे कोई बात हुई है। क्या बात है संध्या जी, सब ठीक तो है ना? या फिर किसी ने आपसे कुछ कहा? संध्या जी आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना। देखिए अगर आप फोन पे नहीं बात कर सकती तो मैं घर आ जाता हूँ ना। नहीं आप घर मत आइए, मैं ठीक हूँ। जेठानी जी आपसे एक बात पूछूं, आप तो सच्चाई की ऐसी देवी हैं कि कोई भी आपके माथे पर हाथ रखे और झूठ बोले तो वही जल जाए, लेकिन जो कुछ भी आज आपने सबके सामने कहा उससे तो एक ही मतलब निकले हैं कि आपको हमारे जेठ जी पसंद को नहीं, या फिर उन्हीं में कोई कमी है। एक मतलब और भी निकलता है मेरी बातों का कि वो गोली मैं नहीं तुम खाती हो। गोलियां मैं लेती हूँ? मैंने कब ली? और मैं तुम्हारी तरह
जो मन में आया वो नहीं कहती। आप क्या कह रहे हो जेठानी जी? आपको कोई गलतफहमी हुई है? सबूत है मेरे पास। क्या बात कर रही हैं आप जेठानी जी? हमारे को तो इस गोली के बारे में पता ही कोनी, और तो सबूत कहाँ से आएगा? ये बिल तुम ही लाई थी ना जब छवि के लिए पाउडर लेने गई थी? इसमें उस गोली का भी नाम है। मैं तुम्हारी तरह छोटी सोच नहीं रखती, ना ही कभी रखना चाहूंगी। ये फैसला तुम्हारे और तुम्हारे पति का है। इंसान औलाद की जिम्मेदारी तभी उठाए जब वो खुद तैयार हो। ये फैसला एक पति पत्नी के बीच का ही होना चाहिए, और पति पत्नी के फैसले के बीच किसी को नहीं आना चाहिए। और ये बात मैं समझती भी हूँ और मानती भी हूँ। खेली हो गई है, बावली हो गई है रे मीना। अरे जेठानी को मत छेड़ा कर, अरे पहले मर जाएगी, समय से पहले ही मर जाएगी तू। ये तो तलवार है, तलवार के सामने खड़ी होती है, उसके ऊपर तू नाचती भी है। अरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे थारे मीना। क्या करती है तू? एक दो तीन चार वहाँ जाने कितने टुकड़े करके तारे घर मार के भेजेगी। मैं क्या करूँगी? तुमको बता दिया तो पीली क्यों पड़ी हुई है? फिर कोई घसड़ पसड़ तो नहीं की तूने? ये बात कर रहे हो जी। पीली वो बड़े दिन से सोच रही थी कि मैं काली हो गई हूँ, तो हल्दी और बेसन का लेप लगा लिया था, इस वजह से पीली हो गई होंगी। ये क्या भाड़ के फेंका? कचरा है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी ने स्वर्ग से मारे लिए पाजे फेंक दियो। ये लो उठा लिया, अभी फेंक देती हूँ। फेंकना तो पड़ेगा, वरना वो जेठानी जी फिर कठपुतलियों का नाच दिखाने लग जाएंगी। थैंक यू। ये और कोई टेढ़ी बात ना करे तो भाई समझ जाओ कि गड़बड़ है।